या ना इच्छा जाए। आज दिन में लगभग 11 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई जो पूर्वी डीएसपी हैं श्री मनोज पांडे उनको कि जो तीनों अपराधकर्मी हैं भागे हुए सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में हैं, उनकी घेराबंदी उनकी टीम के द्वारा की गई। एसआईटी के जो सदस्य थे वो भी शामिल थे। घेराबंदी के दौरान जब उनकी बुलेरो को रोका गया तो उन्होंने रुकते ही सहज पुलिस के ऊपर फायर किया और गाड़ी से उतर के भागने का प्रयास किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं जो कि मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में से आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच कई राउंड गोली फायरिंग हुई जिसमें तीन अपराधी घायल भी हो गए हैं जिनका इलाज SKCH में किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का, जहाँ पुलिस पूर्वी DSP मनोज पांडे ने छापेमारी कर गिरफ्तारी के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर अपराधी 10 राउंड गोली फायरिंग कर देते। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर भी फायरिंग किया जिसमें तीन अपराधियों को गोली लगी और जो काफ़ी जख्मी रूप से घायल है जिनका इलाज मुजफ्फरपुर के SKCH में किया जा रहा है। और तीनों अपराधी बैंक लूटपाट और अन्य कई मामले की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल ही मैं आपको बता दें कि काटी के फाइनेंस कर्मी के साथ 27 लाख रुपए की लूटपाट की गई थी जिसमें तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था और बाकी ये तीन अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए। इसी मामले में पूर्वी DSP मनोज पांडे को सूचना मिली थी जिस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तारी करने पहुंची थी। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन तीनों अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया है जिसके बाद उसका इलाज SKCH में किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर SSP राकेश कुमार क्या कुछ कह रहा है, ये पहले सुनिए। सर क्या कार्रवाई हुई है? थोड़ा खंडन करो ना। कांटी थाना अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व में स्पंदन माइक्रो फाइनेंस में एक लूट की घटना घटित हुई थी 5 जून को। उसमें एक SIT बनाई गई थी पश्चिमी DSP साहब के नेतृत्व में। उस SIT में कांटी के थाना अध्यक्ष थे, मोदीपुर के थाना अध्यक्ष थे और DIU की टीम भी थी, उनके प्रभारी सुझाव दिए। ये टीम इस टीम को इस पूरे केस को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसी आलोक में कल देर शाम को तीनों की गिरफ्तारी की गई थी जिसकी प्रेस वार्ता आज सुबह की गई है, आप लोगों को उसकी जानकारी दी गई थी। तीन लोग कल भागने में सफल हो गए थे एक बुलेरो से, उसकी गिरफ्तारी के लिए ये टीम लगातार प्रयासरत थी। आज दिन में लगभग 11 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई जो पूर्वी DSP हैं श्री मनोज पांडे उनको कि जो तीनों अपराधकर्मी हैं भागे हुए सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में हैं, उनकी घेराबंदी उनकी टीम के द्वारा की गई। SIT के जो सदस्य थे वो भी शामिल थे। घेराबंदी के दौरान जब उनकी बुलेरो को रोका गया तो उन्होंने रुकते ही सहज पुलिस के ऊपर फायर किया और गाड़ी से उतर के भागने का प्रयास किया और भागने के क्रम में पुलिस के ऊपर लगभग 10 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने भी उनको चेतावनी दी और आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, उनको रोकने के लिए बोला गया। तीनों ही अपराधकर्मी को बुलेट इंजरीज हैं जिसमें से एक अपराधकर्मी डेविड और प्रासिद हैं जिनको 2 गोलियां लगी हैं। बाकी के 2 अपराधकर्मी हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष है उनको 1 गोली लगी है और एक अन्य अपराधकर्मी है उनको भी 1 गोली लगी है। तीनों ही अपराधकर्मी अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं, डॉक्टर्स के अनुसार वो खतरे से बाहर हैं। इनके पास से कार्बाइन बरामद की गई है, लगभग 12-13 राउंड जिंदा गोलियाँ बरामद की गई हैं, 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। लूट की राशि में से लगभग 9.5 लाख रुपये बरामद किए गए हैं और माइक्रो फाइनेंस का एक लैपटॉप भी था जिनके द्वारा लूटा गया था, उस लैपटॉप को भी बरामद किया गया। कोई इंजरी नहीं है, सिवाईपट्टी थाने की गाड़ी है और उसमें एक गोली लगी है, उसका शीशा टूट गया है, इसके अलावा बाकी कोई खास इंजरी। तो आपने सुना SSP राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि दरअसल तीनों अपराधी बीते दिन काटी थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मी के साथ 27 लाख रुपए की लूटपाट की गई थी। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया लेकिन यही मौके से ये 3 लोग अपराधी भाग गए थे। जिसी मामले में पुलिस पूर्वी DSP मनोज पांडे को सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करने गई थी जिस दौरान इन लोगों ने पुलिस के ऊपर 10 राउंड गोली फायरिंग किया जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा इन 3 अपराधियों को गोली लगी है जिसका इलाज SKCH में किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।